दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि दोस्तों कैसे आप जो है वो टर्की के अंदर अगर आप न्यू आते हैं तो भी या यहाँ पर आप पुराने रहे तो फिर तो आपको सारे यहाँ के तौर तरीके मालूम ही होंगे। तो कैसे आप यहाँ पे जो है इजीली जॉब को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जॉब को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे आपकी दुआ से और अल्लाह ताला की फजलो करम से। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे बिला बिलोइंग चैनल 25। सर दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को वॉच करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर दोस्तों आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सो दोस्तों अगर आप टर्की में न्यू आते हैं तो आप किस तरीके से जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इजीली प्रोसेस है जॉब सर्च करने का। दोस्तों कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि दोस्तों लोग बोलते हैं कि यार मैं नए मुल्क जा रहा हूं, टर्की, अभी टर्की या अदरवाइज जिस भी आप मुल्क जाते हैं दोस्तों, तो कैसे आप वहां पर जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस होता है दोस्तों, हम पाकिस्तान में बैठ के यही सोचते हैं कि यार हम कैसे जॉब जो है वो सर्च करेंगे और कैसे हमें जॉब मिलेगी, हम नए मुल्क जा रहे हैं, हमें तो जबान भी नहीं आती, हमें तो इंग्लिश भी हमारी सही नहीं है। तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं होती, भले आपकी इंग्लिश ठीक हो नहीं हो या जिस मुल्क आप जा रहे हैं उस मुल्क की लैंग्वेज आपको आती हो या नहीं आती हो, लेकिन सबसे बड़ी नॉलेज की बात आज आपको बताने लगा हूं कि अदरवाइज कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाते हैं जॉब सर्च करते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान से बेसिक लफ्ज जो होते हैं वो आप इतनी आसानी कर दिए इंटरनेट ने, आप गूगल ट्रांसलेटर कर सकते हैं, कुछ चंद इंग्लिश के लफ्ज सीख लें और जहां जिस मुल्क में इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो वहां पे आप इजीली जो है उस मुल्क के कुछ लफ्ज सीख लें, बेसिक लफ्ज, तो दोस्तों वो आपके फायदे के लिए हो जाते हैं। मुकम्मल तो जाहिर बात है इंसान गाते गाते ही हर चीज को सीखता है दोस्तों, डायरेक्ट कोई सीख के तो आता नहीं ऊपर से। तो दोस्तों खैर छोड़ें, आगे की बात बताता हूँ आपको। तो दोस्तों टर्की में आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, तो दोस्तों टर्की में जॉब सर्च करने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके तो एक तरीका ऐसा है कि आप वेबसाइट हैं, कुछ वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट को जो है मैं आपको ये बराबर में आप देख भी सकते हैं, मेरे साइट पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि इस वेबसाइट से भी आप सर्च कर सकते हैं जॉब इजीली। 100% आपको ओरिजिनल, कोई फेक नहीं है साइट के ऊपर, आप इजीली जो है यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, भले आपको जबान आती हो नहीं आती हो, टर्की जबान कोई इशू नहीं है दोस्तों, तो आप इजीली किसी भी हर गली हर मोहल्ले के अंदर यहाँ पे फैब्रिकें हैं, कंपनीज हैं, टेक्सटाइल मिल हैं दोस्तों, और भी अदरवाइज बहुत सारी कंपनी हर चीज की, शूज की, सॉक्स की, पेंटो की, जैकेटों की, हर चीज की यहाँ पे कंपनी मौजूद है, क्योंकि टर्किश लोग हर चीज अपनी खुद की जाती पर्सनल बनाते, किसी मुल्क से ये लोग परचेज नहीं करते। तो आप हर कंपनी में जाके इजीली इशारे से भी पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप बेसिक लव सीख लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। बस ये अगर नहीं भी सीख सकते हैं तो कोई भी फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, आप इजीली उस कंपनी के अंदर जाएं दोस्तों, ठीक है, सलाम दुआ करें, सलाम का जवाब एक ही है, सेम होता है, तो आप सलाम करें, टर्किश लोग मुसलमान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सलाम दुआ करें, सलाम दुआ करने के बाद इजीली इशारे से भी पूछ सकते हैं कि मैं जो है वो काम चाहता हूं तो मुझे आप काम दे दें, तो इजीली आप यहाँ पे काम इतना है आपकी सोच से भी ज्यादा दोस्तों, जैसे पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान में लोग ज्यादा हैं और काम बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे जितने लोग हैं दोस्तों उससे भी ज्यादा काम है यहाँ पे, यहाँ पे बल्कि ऐसे समझ लें दोस्तों काम बांट रहे हैं, समझ लें कि इनके यहाँ पे काम ही काम, काम ही काम, गली गली में यहाँ पे कंपनीज मिलेंगी दोस्तों आपको, तो आप किसी भी कंपनी जाएं दोस्तों यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, इतना काम है, तो यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है, सेम दुबई वाली तनख्वाह यहाँ पे भी है, सेम जैसे वो आप दुबई में 60-70 हज़ार रुपये कमा लेते हैं वही 60-70 हज़ार रुपये आप हेल्पर के अंदर यहाँ पे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इजीली किसी भी कंपनी में जाएं, इशारे से बोलें कि मैं जो है वो काम चाहता हूं तो मुझे कोई काम सिख दे दें, तो आपको इजीली वो लोग काम पे रख लेते हैं, एक दिन ट्राई लेते हैं, दूसरे दिन से आपकी ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो इतना कोई टेंशन वाली मुश्किल वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, तो इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकाल के मैं भी जॉब करता हूँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को और लाइक भी कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आई करे, और बेल आइकन को दबाना मत, क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो दोस्तों बिला बिलोइंग चैनल 25 को दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके साथ आऊंगा, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।